जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। वारासिवनी से बालाघाट मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में लेकर निकट स्थित वारा रेलवे क्रॉसिंग के पास लगे लोहे के एंगल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे लोहे का एंगल टूट गया। वहीं बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पति रितेश बिसेन की मौत हो गई है। इस संबंध में ट्रक चालक नवीन राहंग डाले ने बताया कि ट्रक बीजे 28GA0092 जो कि ग्राम रामपायली के पटेल राइस मिल से चावल भरकर वारासिवनी वारा स्थित पलास वेयर हाउस जा रहा था, तभी ट्रक के सामने अचानक बाइक चालक आ गया और उसे बचाने के चक्कर में ट्रक का प्रेशर पाइप फट गया, जिसके बाद ट्रक रेलवे के एंगल से टकरा गया। बताते हैं कि ट्रक ज्यादा स्पीड में होने के कारण यह हादसा हुआ है। इस घटना में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पति रितेश बिसेन की मौत हो गई। पत्नी जागृति बिसेन को नागपुर रेफर कर दिया गया है। नवीन राम डाले, कहाँ से माल भरे थे आपने ट्रैक्टर में, ट्रक में? पटेल राइस में। कहाँ जा रहे थे? वारा वीरहाउस। कैसी क्या घटना हुई? प्लास वीरहाउस में जा रहे थे। कैसे घटना हुई है? मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक करे पेट्रोल पंप से, अचानक उनके दम से ब्रेक मारे, मैंने भी ब्रेक मारा, प्रेशर पाइप फटने के कारण अचानक ऐसा हादसा हो चुका। किसको चोट आई है? उनको बचाने के चक्कर में मैंने साइड में बहुत गाड़ी उतार दिया। किस किस को चोट आई है? अभी पता नहीं, दो बाइक वाले को अब एम्बुलेंस में लेके गए हैं। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।